हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए, मेरे वीडियो की शुरुआत घड़ी से हो रही है और मैं दीवान पे लेटी भी हूँ। सुबह से गैस बहुत थक गई और है ना, ये देखिए शाम के 5 बज रहे हैं, आपको घड़ी दिखाई दे रही है। तो गैस मैं उठ जाती हूँ क्योंकि कुछ कुछ दिखाना है आपको। तो गैस आज भी मैंने ना बहुत सारी रद्दी बेची। देखिए गाइस, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ निकाल निकाल के मैं अपने पड़ोस में एक लेडी रहती है उनको दे देती हूँ। तो उसके बावजूद भी है ना, देखिए घर कितना फिर भी भरा भरा। आप कहते होंगे, ये कहती है कि रोज़ कुछ ना कुछ देती है, पर इसके वीडियो में तो इसका सामान यूँ की यूँ ही पड़ा हुआ है। तो गाइस ये तो ठीक है, ये तो काम आती है मेरी। तो कई चीज़ें तो ऐसी दे दी मैंने कि जो मेरे काम आती थी। तो ये तो देखिए, बताइए, ये ऐसा होता है ना कि जैसे बेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, दीवान के बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो काम में हम रख लेते हैं संभाल संभाल के, अरे काम आएगा काम आएगा, तो वो तो सालों साल निकल जाते हैं और काम तो कुछ आता नहीं है। तो मैंने सब उठा के दे दिया। तो उसके बाद आज मैंने रद्दी बेची गाइज, मैंने आज बहुत सारी रद्दी बेची। तो देखिए, मैंने बेडशीट चेंज कर ली, बटरफ्लाई वाली बेडशीट लगा दी मैंने। और इधर से भी ये कितना भरा हुआ था ना, तो मैंने इसको आपको बताया था ना, मैंने खाली कर दिया। तो फिर और ये है, और बताए मैं अभिनव के रूम में भी मैं आपको ले चलती हूँ, है ना। ये देखिए, मैंने ना इसको स्टूल पे रख दिया, थोड़ा ऊंचा हो गया अभी, है ना। तो यहाँ पे भी है ना, दो चेयर एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, आपने कभी मेरे वीडियो में देखी होगी, तो वो भी मैंने दे दी। और है ना, ये आज मैंने ना पर्दा लगाया है इधर, पहले इधर येलो कलर का पर्दा था वो हटा दिया। और गाइज इसको भी मतलब 15 साल 14 साल हो गए इस, तो ये ना इसका जो ये ऑरेंज कलर थोड़ा सा फेड हो गया, बाकी तो ये मैं सही है। तो ये पर्दे के पीछे देखिए, ये देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, सब दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, मैंने सब दे दिया। काम तो आ रहा नहीं था, मैं भी ऐसे ही करती थी कि अरे काम आएगा काम आएगा, कभी तो काम नहीं आता था यार। तो ये देखिए, ये भी अंधेरा दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैंने ये देखिए ऊपर वाली रैक पूरी मैंने खाली कर दी, सब कुछ दे दिया, कुछ मैंने रद्दी में निकाल दिया, कुछ मैंने दे दिया। और ये बाइबल रखी हुई है, इसमें से यहाँ पे भी बहुत कबाड़ा हो रहा था तो क्लीन किया। और इधर भी कुछ कुछ टूल्स पड़े हुए हैं, तो ये भी रोज़ ही क्लीन करती हूँ। तो अब ये क्या टाइम पास कैसे करूँ, हस्बैंड तो मेरे बिलासपुर गए हुए हैं। यहाँ पे एक घड़ी दूसरी वाली थी, वो घड़ी मैंने दे दी। तो यही था गाइज। और है ना, क्या कह रही थी मैं, हाँ, किचन में भी रोज़ कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ, लाइट जलाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये स्टैंड पहले ना उधर रखा रहता था, तो मैंने इधर रख दिया। कुछ चीज़ें तो ऐसी है गाइस, जैसे कि ये राइस कुकर आप देख रहे हैं ना नीचे रखा हुआ है, तो ये मैं काम में ही नहीं लेती हूँ। आज मैंने सोचा कि इसमें जब अभी तो मैं और अभिनव ही है, तो जब हम ज़्यादा लोग या खाना बनाना होगा तो यूज़ करूँगी गाइस। इंडक्शन भी देखिए बिल्कुल न्यू है, मुश्किल से 1 या 2 बार चलाया हुआ, और ढक के यहाँ कोने में रखती थी, आज मैंने इसको निकाल दिया। तो इसी पे मैं चाय बनाया करूँगी, तो थोड़ी गैस की बचत हो जाएगी। पर गैस से बिजली बिल बिल्कुल नहीं आ रहा था, मैंने ना सुबह चेक किया क्योंकि हमारा मीटर नीचे ही लगा हुआ है, तो मैंने चेक किया, तो मैंने चाय बनाई आराम से। तो मतलब एक यूनिट के पास में जो हल्का सा वो होता है ना, वो आधा ही ऊपर गया था बस, इसका मतलब ज़्यादा ये खर्च नहीं होता बिजली का बिल। तो ये मैं छोटू गमला आज यहाँ रख दिया। तो मैं अभी शाम हो रही है, तो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है इसमें ना, मेरे हस्बैंड 5 तरह का आटा मिक्स होता है ना वो, और इसके अंदर है ना गाइस, मैं आपको बताती हूँ खोल के, इसमें चिया सीड भी है ना मिक्स किया हुआ है। तो इतना आटा तो बहुत है मेरे और अभिनव के लिए। और ये डब्बा मुझे भास्कर में खुला था। देखिए गाइस, मैंने नेल्स में ना अभी नेल पॉलिश नहीं लगाई है, तो मैं नेल पॉलिश भी लगाऊंगी शाम को, और पैरों में भी नहीं लगाई है तो पैरों में भी लगाऊंगी। और तो यार जितने काम में आए ना चीज़ें उतनी ही रखनी चाहिए बस। तो ये है,
और चिकलू है ना मेरा, ये इधर मेरे बेड पे ही सोता है। ये यार छोटे बच्चे की कैसे करता है, इसके पास नहीं लेटू ना मैं तो ये है ना सोता नहीं, ये निकल जाता है। इसकी मुंडी दिख रही है आपको, अब मैं उठ गई हूँ ना तो ये झांक रहा है कि कहाँ चली गई मम्मी। तो आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है ना मैं रोटी बना के, और सब्जी तो मैं आके बनाऊंगी यार, ये धुंधला धुंधला क्यों हो रहा है, सब्जी बनाऊंगी आके और मतलब थोड़ी बहुत कल के लिए सब्जी और दूध लेके आऊंगी। तो यही था गाइस आज का मेरा छोटू सा वीडियो। तो पता है मैं ना लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, जिनको लोग पसंद नहीं आते वो फिर भी ना जाके उनका वीडियो देखते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, और उनके कमेंट्स पढ़ के इतना हंसी आती है। तो आज तो मैंने ना एक किसी ने लिखा था बड़ा नाटक करती है, तो मैंने कहा यार नाटक करने भी तो तुम पहुंच जाते हो उसे देखने के लिए, मैंने कहा हम छोटे यूट्यूबर का देख लिया करो। तो वो बोले हाँ बहन आपका भी देखेंगे। तो ऐसा था। तो गाइज ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, आपके और आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।